हेलो गेमर्स, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निंजा शोटो गेमिंग में। और जैसा कि आपने मेरी लेवल 3 वाली वीडियो में देखा था किस तरह से हमने डायमंड टाटो को ख़त्म कर दिया था, उसके बाद लेवल 4 का आधा वीडियो में आपने देखा कि हम लोग अपने ही महल में वापस आए हैं, पर साकिया ने सभी सिपाहियों को कह रखा है कि रिकी मारू ने हमारे साथ धोखा किया, कीको को उसी ने किडनैप किया था, और अभी हमारे अपने ही महल के सिपाहियों को हमें मारना पड़ रहा है मजबूरन। और हम लोग लेवल 4 के पार्ट 3 कंप्लीट कर चुके हैं, और अभी इसके बाद जो लेवल हम लोग खेलने जा रहे हैं वो होगा हमारे लेवल 4 का पार्ट 4। तो गाइस बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो और बढ़ते हैं लेवल 4 के पार्ट 4 की तरफ। तो जैसा कि देख पा रहे गाइस, हम लोग आ चुके हैं हमारे लेवल 4 के पार्ट 4 में, और यहाँ पर सबसे पहले तो एनिमीज को ख़त्म करना था। यहाँ पर छुप जाते हैं, सामने वाले एनिमी को हल्का शक हुआ था अभी फिलहाल, तो उसको नज़दीक आने देते हैं। जैसे वो नज़दीक आएगा उसको हम लोग घास में घसीट के मार देंगे, बस उसके आने में थोड़ा सा समय लगेगा। यहाँ पर ज़्यादा एनिमीज नहीं है, वहाँ ऊपर 2 एनिमी हैं, यहाँ पर 3, मतलब टोटल यहाँ पर 5 एनिमी आपको देखने को मिलेंगे। इसको मार लेते पहले। चलो इसकी कहानी हमने ख़त्म कर दी। अब उसके बाद वहाँ पर एक निंजा है जिसको आप सुरिकेन से भी मार सकते हो, उसको ऊपर चढ़ के भी मार सकते हो। तो क्या करें, इसका सुरिकेन से मारे या ऐसे ही मारे? नहीं, छोड़ो, सुरिकेन से ही मार लेते हैं। चलो सुरिकेन से मार दिया हमने इस निंजा को। निंजा उसको ढूंढना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो मतलब काले कपड़े पहनते और शैडो में छुपे रहते। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ना गाइस हवा चलने के दौरान ना, मतलब हवा अगर बंद हो जाएगी तो देखना यहाँ पर जो ये मेरा पर्पल पर्पल जो शैडो, ये देखिए शैडो गायब हो रहा है। ठीक है, गायब हो गया मतलब अब शैडो अगर आपको एनिमी देखते हैं यहाँ पे तो दिखाई दोगे। देखिए दोबारा आगे हवा चलते, तो देखना का हवा कहाँ चल रहा है। तो अभी हम लोग का हवा चल चुका है तो हम लोग शैडो में जा सकते हैं, लेकिन वही अगर शैडो मतलब गायब हो जाएगा तो एनिमी आपको देख लेगा क्योंकि वहाँ पे शैडो रहेगा ही नहीं। अभी यहाँ से नॉर्मली इस एनिमी पे हम लोग हमला करेंगे और इसकी गर्दन मरोड़ देंगे। सॉरी, गर्दन नहीं, तलवार को सेट देंगे। इसमें तलवार वाला शॉट ही में मारता ज़्यादातर। और गाइस यहाँ देखिए सामने वाले घर पे भी एक एनिमी है, ये देखिए मेरे साइड में भी देखिए शैडो का हवा चला और यहाँ पे शैडो क्रिएट हुआ। ये देखिए यहाँ सामने ही इसके आँख की लेजर साइड दिख रही थी, इस दरवाजे से हम लोग नहीं जाएंगे, इसके पीछे से हम लोग हमला करेंगे। ये देखिए पीछे के रास्ते से आपको आना है और यहाँ से इस पर अटैक करना है। चलिए अटैक करते हैं इस पर, और ये इसकी तलवार इसी में डाल दी। इसकी कहानी भी हो गई ख़त्म। अब यहाँ पर गाइस हमको मिलेगा कासुगाय, तो कासुगाय को हम लोग को लेने के लिए एक वेपन का सैक्रिफाइस करना होगा क्योंकि 3 वेपन से हम लोग साथ रख सकते हैं। तो हमने बैम्बू ट्यूब की जगह पर ले लिया है कासुगाय को। कासुगाय का यूज़ है बाद में, अभी आपको मैं बाद में बताऊंगा, कासुगाय का फिलहाल अभी कोई यूज़ नहीं है। फिर आप यहाँ से आ सकते हो, फिर यहाँ के 2 एनिमी लास्ट बचे हुए हैं, बाकी 3 को हमने खल्लास कर दिया है। और यहाँ के एनिमीज को भी आप लोग आराम से मार सकते हो, बस यहाँ पर प्लेयर ना हल्का अटक जाता। चलो निकल गए हम लोग, और यही 2 यहाँ के लास्ट एनिमी, ये हमारा एक को, ये हमारा दूसरे को, और दोनों की कहानी कर दी हमने खल्लास। अब देखिए गाइस, अब यहाँ पर आपको एक मैं बात बताता हूँ, ये जो भी ड्रम दिख रहा है आपको, ये एक एक्सप्लोजिव है, इस पर आप जैसे शुरिकेन मारोगे एक्सप्लोड कर जाएगा। मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ ताकि आपको बाद के लेवल में काम आए। ये देखिए मैं मारूँगा, ये धमाका होगा, बस आप इससे थोड़ा दूर रहना तो आप भी ब्लास्ट में फटके मतलब मर सकते हो। और अभी देखिए गाइस आपको टाली पे एक स्मोक बम दिखाई दे रहा होगा, जो कि हमारे पास स्मोक बम अभी 4 है, उसे लेंगे तो हमारे पास 5 स्मोक बम हो जाएंगे। तो हमें इसके लिए यहाँ पर चढ़ना है, यहाँ पर आराम से आना है क्योंकि गाइस यहाँ पर ना कभी कभार क्या होता है कि ये देखिए मतलब वहाँ जाने से पहले गिर जाते हैं, जो कि मेरे साथ कई बार हो चुका है। इस जगह पर आना मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैं गिर जाता हूँ बार बार। कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करते हैं स्मोक बम तुमको लेने, क्योंकि स्मोक बम सबसे अमेजिंग वेपन है क्योंकि एक ही स्मोक बम से हम 4-5 एनिमी को आराम से खल्लास कर सकते हैं। तो यहाँ से ऊपर चढ़ जाते हैं। अब देखिए अब हम लोग आराम से ऊपर चढ़ चुके हैं, अब यहाँ से हम लोग आराम से अपना स्मोक बम उठाते हैं। स्मोक बम ले लिया है हमने यहाँ से। अब इस लेवल में कुछ करने को नहीं है, और इस लेवल को भी पार करने के 2 रास्ते हैं, लेकिन इनके जो दोनों रास्ते हैं गाइस, एक है कासुगाय घुसा कर जाने वाला, जो कासुगाय हमारे पास है, लेकिन अगर आप इस रास्ते से जाओगे, देखिए जो ये वाला रास्ता है, मैं आपको ट्रायंगल दबा के दिखाता हूँ, जरा जा रही कि मारूँ। ये देखिए यहाँ से जाइएगा तो आपका कासुगा ही मतलब वेस्ट हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा यहाँ से जाइएगा तो। और ये जो मेन गेट है इससे भी आप लोग जा सकते हो, दोनों का ही रास्ता सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। तो हम लोगों का जो लेवल 4 का पार्ट 4 था कम्प्लीटली एंड हो चुका है, इस लेवल के बाद हम लोग को शुरू होगा लेवल 4 का पार्ट 5। तो चलिए गाइस हम लोग आ चुके हैं लेवल 4 के पार्ट 5 में, और यहाँ पर गाइस बहुत ही मतलब छोटा सा लेवल है ये, तो यहाँ पर वेट कर लेते हैं। हम ऊपर से भी जा सकते हैं लेकिन मैं नीचे से जाऊँगा, जैसे वो एनिमी उस तरफ मुड़ेगा मैं उस पर हमला कर दूँगा, बस उसको थोड़ा मुड़ने देते हैं, जैसे वो मुड़ेगा मैं उस पर अटैक करूँगा। अरे मुड़ जाए, चलो मुड़ गया, अटैक करते हैं। और ये मेरा फेवरेट अटैक, मुर्गा तड़पाहट, ये देखिए मर गया आराम से। अब उसके बाद गाइस यहाँ अंदर में एक मतलब 2 एनिमी, एक सोया हुआ होगा और एक बैठा हुआ। तो आपको इस तरह से जाना है कि जो बैठा हुआ एनिमी है ना, उसके हल्का सा साइड से आना जाके उसका आपको ध्यान ना रहे, और एक तो सोया हुआ है वो आपको देख ही नहीं सकते। देखिए वो उस तरफ बैठा हुआ, आप पे ध्यान नहीं रहेगा उसका आप ऐसे जाओगे तो, और डायरेक्ट आप यहाँ पर ऐसे अटैक कर सकते हैं। इसने हमने इसकी गर्दन मरोड़ दी,
अब इसके बाद एक एनिमी है जो सोया हुआ है। यहाँ के एनिमीज बड़े ही कमाल के सोते रहते हैं भाई। सो जा अब तो, स्वर्ग में जाकर सोना। ले मार दिया मैंने इसको भी, इसकी कहानी भी हो गई ख़त्म। और एक चीज़ मैं आपको अभी बता रहा हूँ, जो मतलब बिगिनर्स होंगे उनके लिए ये चीज़ है, या फिर निंजाटो तलवार भी आप चाहो तो ले सकते हो, पर हमें निंजाटो की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, इसकी ज़रूरत पड़ेगी जो लोग भी बिगिनर्स होंगे, मतलब जो शुरुआती लेवल्स में इस गेम को खेलेंगे। फिलहाल मुझे इस बॉक्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इस बॉक्स का इस्तेमाल करके दिखाऊंगा ताकि आप लोग मतलब अच्छे से इसका इस्तेमाल कर पाओ। अभी बॉक्स का दो मैंने ऑप्शन दिखाया था लेवल 1 पे, कि आप वो दबा कर रख सकते हो और एक दबा कर फेंक सकते हो। तो यहाँ पर हमें बॉक्स फेंकना होगा इस जगह पर। देखिए हमें यहाँ पर आना है और बॉक्स को कुछ इस तरह से आप फेंकना जिससे कि यहाँ पर बॉक्स सेट हो जाए, और इस बॉक्स की हाइट एडवांटेज की वजह से हम लोग ऊपर चढ़ सकते हैं। ये देखिए इस बॉक्स के बगैर आप लोग यहाँ नहीं चढ़ पाओगे। ऐसे ही आप लोग यहाँ से ऊपर चढ़ जाओगे, और उसके बाद उस तरफ हम लोग गए थे, अब इस तरफ जाना है। यहाँ मैं नीचे से भी जा सकता था, लेकिन बिगिनर्स के लिए मैं दिखाना चाह रहा था, और ऊपर शुरिकेन मिलेंगे हम, इसलिए मैं यहाँ आया। और ये देखिए नीचे एक एनिमी है, अब इसको डायरेक्टली हम लोग ख़त्म कर देंगे। चाचा आपकी कहानी हो गई ख़त्म। ये ले खटैक, चलो ये मर गया। अब इसके बाद हमें कुछ शुरिकेन्स और दिखेंगे यहाँ पर, इसलिए मैं ऊपर आया था मेन चीज़ के लिए। तो शुरिकेन ले लिया हमने, अब नीचे उतर जाते हैं। अब यहाँ का एक लास्ट एनिमी बचा है, उसको भी मारते हैं, लेकिन पहले देख लेते हैं वो किस तरफ देख रहा है। पहले अगर देख लेगा इस तरफ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखते किस तरफ देख रहा है, यार इसी तरफ देख रहा है, कोई बात नहीं, इसको मुड़ने देते हैं। जैसे ही वो मुड़ेगा उस पर अटैक करेंगे, लेकिन वो कम्प्लीटली जो मतलब जो पूरा पीछे तरफ मुड़ेगा तभी हमला करेंगे। हम इसे डायरेक्ट हमला नहीं करते, मुड़ गया। अब ये हमला किया हमने और इसकी कहानी भी कर दी ख़त्म। तो ये लेवल तो यहीं पर एंड हो गया, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जो कोने हैं गाइस, यहाँ कोने में आप इस तरह से कवर ले सकते हो, कोई भी एनिमी आपको देखे से आप लोग ऐसे बच सकते हो। यहाँ जहाँ जहाँ भी कोना आपको दिखेगा वहाँ पर आप इस बंदर जैसे इस तरह से चढ़ के कवर ले सकते हो, एनिमी से बच सकते हो। तो ये तो था यहाँ का चीज़, और यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ भी एक्सप्लोर करने के लिए नहीं है। और गाइस देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, यहाँ लेवल एंड हो चुका है। लेवल 4 का पार्ट 6 का गेट हमें दिखाई दे रहा है। हमारा महल काफ़ी ऊंचा है हमारे लॉर्ड गोटा का, इसलिए सीढ़ियाँ यहाँ पर जाता है। जैसे आप इसको पार कर लोगे आप लोग पहुँच जाओगे लेवल 4 के पार्ट 6 में। हालांकि पार्ट 6 लेवल्स का फाइनल पार्ट होता है, तो हम लगा चुके हैं यहाँ पर हमारे लेवल 4 के पार्ट 6 में। और ये देखिए एक निंजा वहाँ पर बैठा हुआ है। अभी यहाँ पर आपको कासुगाई का भी मैं न्यूज़ दिखाऊंगा। आप चाहो तो निंजा को यहाँ से सुरिकेन फेंक कर मार सकते हो, लेकिन इस मतलब मामूली से निंजा पर हम अपना सुरिकेन ब्लेड वेस्ट नहीं करेंगे। तो हम लोग नॉर्मली यहाँ से चले जाते हैं और अपना कासुगाय निकाल लेते हैं, क्योंकि कासुगाय का यहाँ पे एक यूज़ है, मैं आपको दिखाऊंगा। सामने एक और एनिमी है, वहाँ नहीं जाना है हमें। ये देख लेते हैं, यहाँ पे एनिमी नहीं है, पर उसके लिए जैसा डायरी वो आता ही होगा। उसके आने से पहले यहाँ पे नीचे एक गोडाउन जैसा कुछ है, कासुगाय की मदद से हम इसको खोलेंगे और इसके अंदर घुस जाएंगे। और देखिएगा इस एनिमी आ ही रहा होगा, देखिए आ गया एनिमी। अब देखते कैसे इसको मारेगा। ये देखिए ये हमने खींचा इसको, जहाँ हम घुसे हुए थे इसको भी अपने अंदर इसकी बॉडी को घुसा लिया। ये ट्रिक आपको बहुत ही मदद कर सकती है, जहाँ पर भी आपको ये दिखे बस आपके पास कासुगाई होना चाहिए। और जैसे आप कासुगाई का इस्तेमाल करोगे आप इसके अंदर जा सकते हो, और जो भी एनिमी इसके आसपास चल के आएगा आप उसको मारकर उसकी बॉडी को अंदर घुसा सकते हो। देखिए ऐसे घुसते हैं यहाँ पे, कासुगाई आपके पास होना चाहिए, और इससे कासुगाई आपकी ख़त्म भी नहीं होगी, क्योंकि कासुगाई तो आप सिर्फ यूज़ करके उसको खोल रहे हो। और अभी निंजा को मारने का मैं ट्रिक दिखाता हूँ। देखिए निंजा बैठा हुआ है, और इसकी आई साइड जो लेजर साइड होती है वो भी नहीं दिखाई देती है। आपको यहाँ पर आना है, नहीं यहाँ नहीं, ये इस जगह पे खड़े होना है और पीक लेना है। जैसे आप पीक लोगे एनिमेशन थोड़ा सा दिखाएगा उसके आने का, और आप आराम से इसको मार सकते हो कुछ इस तरह से। ये देखिए हमने ख़त्म कर दिया इसको, अब ये यहीं पर मर गया। तो हमें शुरिकेन भी वेस्ट नहीं करना पड़ा और कुछ करना ही नहीं पड़ा, नॉर्मली इसको मार दिया। और अभी आपको इस लेवल के बाद आपको यहाँ पे पॉइजन देखने को मिलेगा, और पॉइजन का फिलहाल कोई काम नहीं है, क्योंकि पॉइजन तो हमने जहाँ यूज़ करना था टाडो को मार दिया पॉइजन पिलाकर। और यहाँ पर इस लेवल में यहाँ पर ये देखिए जहाँ निंजा बैठा हुआ था, एक पत्थर है, पत्थर भी शुरिकेन्स का सही काम करते हैं। और यहाँ पर एक शुरिकेन और है, तो हम लोग शुरिकेन उठा लेते हैं यहाँ से। नॉर्मली हम ये शुरिकेन उठा लेंगे और एक एनिमी मतलब दो एनिमी और बचे उनको भी मारते हैं। तो देखते हैं, ये देखिए एनिमी यहीं पर है, जल्दी मार देते हैं इसको, अच्छा मौका है। तो हमने इस एनिमी को भी ख़त्म कर दिया है, ये और एक लास्ट एनिमी बचा होगा तो उसको भी पहले ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद एक शुरिकेन हमें और मिलेगा, उसको भी लेंगे, तो इस एनिमी को ख़त्म कर देते हैं। चाचा आप भी गए खचैक, तो ये भी मर गया। अब हमारा लास्ट एक मतलब एक पीस शुरिकेन हमें और मिलेगा, जो कि यहाँ एकदम कोने में मिलेगा। आपको यहाँ आना है, यहाँ आने के बाद ये जो दो पोस्टर टाइप दिख रहे हैं, जो पेंटिंग्स के पीछे यहाँ आना है, यहाँ आपको मिल जाएगा अपना शुरिकेन। और ये देखिए शुरिकेन काफ़ी भर चुका है, बस थोड़े शुरिकेन और चाहिए, हमारा शुरिकेन पूरा फुल हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग नॉर्मल निकल जाते हैं, ये लेवल पूरी तरह से कम्प्लीटली दी एंड हो चुका है। और गाइस फिर से यहाँ पर हमारी सीढ़ी देखने को मिलेगी हमारे महल की, और यहाँ पर लेवल 4 का पार्ट 6 कम्प्लीटली एंड हो चुका है। यहाँ पर हम लोग लेवल 4 के पार्ट 7 में एंटर हो जाएंगे।
तो गाइस हम लोग आ चुके हैं हमारे लेवल 4 के पार्ट 7 जो कि हमारा फाइनल पार्ट है और ये हमारा फाइनल फ्लोर है क्योंकि हमारा जो राज का महल है लॉर्ड गोडा का काफ़ी ऊंचा है। तो ये सब मतलब हम लोग ऊंचाई में काफ़ी आ चुके हैं और अभी यहाँ के एनिमीज़ को भी हम लोग ख़त्म करते हैं। जैसे ही देखिए यहाँ पर एक एनिमी होगा तो यहाँ हम ऊपर से ख़त्म करते हैं, बस उसको यहाँ आने देते हैं। जैसे ही वो यहाँ आएगा ख़त्म इसको हम लोग ख़त्म कर देंगे। ये लेवल हल्का सा बड़ा है, मतलब थोड़े एनिमीज यहाँ ज़्यादा है, इसको आने देते हैं यहाँ पर, फिर इसको ख़त्म करेंगे। आ जा बेटे आ जा। ये हमने पकड़ लिया इसकी गर्दन और इसको हवा में लेकर मरोड़ दिया। ये हो गया पे ख़त्म, तो पहला एनिमी डाउन हो गया है। हम नीचे उतर जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर गाइस 3 एनिमीज है टोटल, तो यहाँ पर एनिमीज़ को थोड़ा कंफ्यूज करना है क्योंकि देखिए वो जो एनिमी है इधर ही चलता हुआ आ रहा है, तो हम डायरेक्ट अभी जाएंगे तो हमें देख लेगा। तो हम क्या करेंगे, उसको उधर जाने देते हैं, जैसे उसकी नज़र हटेगी उसके सामने हमारी दुर्घटना घटेगी, मेरा मतलब मैं चल जाऊँगा। देखिए वो उधर मुझे चल जाएगा, हम यहाँ घुस जाएंगे और इंतज़ार करेंगे कि ये टेबल के साइड में कब आएगा। जैसे ये टेबल के साइड में आएगा हम उसको मेन पार्ट से फेस पार्ट में मारेंगे और वो ख़त्म हो जाएगा, बस उसके आने का इंतज़ार करते हैं। तो यह आता ही होगा, इंतज़ार करते हैं कब तक वो आएगा। और गाइस ये लेवल भी मतलब यहाँ पे ऊपर भी काफ़ी मतलब सीक्रेट लोकेशन है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, पहले इसको ख़त्म कर देते हैं। ये आगे इधर थोड़ा कोने में आता है, ये देखिए ये आया कोने में। इसको कोने में मैं इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि अगर गेट के सामने मारूंगा तो वहाँ पे एक एनिमी वहाँ पे भी वो वॉकिंग कर रहा है तो उसको देख लेगा। एक एनिमी यहाँ बैठा हुआ है, इसको भी ख़त्म करते हैं। 1 और ये 2 और ये खागू, ख़त्म हो गया ये। तो उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे सिंपल, लेकिन सीढ़ी से मतलब जो टेबल है यहाँ से निकलेंगे, सीढ़ी बोल रहा हूँ, टेबल के यहाँ से निकलेंगे और यहाँ पर इसको हटा देते हैं ताकि हम लोग पीक ले पाए। इसकी बॉडी यहाँ पड़ी हुई है इसलिए हम लोग कवर नहीं ले पा रहे, सॉरी पीक नहीं ले पा रहे। यहाँ पर हम लोग पीक लेंगे, ये देखिए हम लोग पीक ले रहे हैं, लेकिन वो एनिमी इसी तरह फेस करके है, मतलब अभी हम लोग अटैक नहीं कर सकते हैं। जैसे हम निकलेंगे वो एनिमी हमें देख लेगा, तो हमें इंतज़ार करना है कि जैसे ही वो मतलब इस तरफ से उस तरफ जाएगा। ये देखिए अभी तो डायरेक्ट इसी तरफ आ रहा है, तो हम लोग निकल ही नहीं सकते हैं। तो इंतज़ार करना है किस मतलब कौन सा टाइम पर वो उस तरफ घूम जाएगा, फिर हम उस पर डायरेक्ट अटैक कर सकते हैं। अभी ये घूमेगा ही, जस्ट इधर आते ही घूम जाएगा, फिर हम डायरेक्ट हमला कर सकते हैं। बस इसको घूमने देते हैं, जैसे ही घूमेगा अटैक करेंगे। और ये आए हम लोग और ये कर दिया हमने इस पर अटैक। तो यहाँ पर इसको हमने डाउन कर दिया। ये देखिएगा इस कासुगाए का आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते थे, जैसे कि मैंने पिछला लेवल में इसका पार्ट का जो लेवल 4 का जो पिछला पार्ट था उसमें दिखाया था, कासुगाए का इस्तेमाल यहाँ पर आप लोग कर सकते हो। और कैसे भी दिखाते हो जो सीक्रेट लोकेशन ऊपर आपको देख सकते हैं, तो हल्का सा खाली जगह दिखेगा, वहाँ से हम निकलेंगे अभी जिस सीक्रेट लोकेशन में हम लोग जा रहे हैं। तो सीक्रेट लोकेशन में जाने के लिए हमें इस तरफ से एंटर होना होगा। ये देखिए यहाँ कुछ शुरिकेंस मिल जाएंगे, तो यहाँ के शुरिकेंस हम लोग थोड़ा उठा लेते हैं, अब यहाँ नॉर्मली ऊपर चढ़ जाते हैं। और ये सीक्रेट लोकेशन है, मैंने आपको जब भी जगह दिखाया यहाँ से हम लोग वहाँ से बाहर निकलेंगे। और यहाँ पर एक अंधेरे में निंजा रहेगा जो कि आपको ठीक से दिखाई नहीं देगा, पर मैं आपको दिखा देता हूँ। शुरिकेन यहाँ पर आप लोग एम लगाओगे तब उसको मार सकते हो, नहीं तो आप लोग को ये दिखाई नहीं देगा और आप पकड़े जाओगे। फिर आपको यहाँ से जाना है, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा हम लोग वहीं से निकलेंगे जहाँ मैं अभी आपको दिखा रहा था। ये देखिए अभी हमने जिस एनिमी को मारा था ना यहाँ पर, ये वही रास्ता है। अब इसके बाद एक सीक्रेट लोकेशन और है, उसके लिए चाबी चाहिए, तो उसके लिए यहाँ के जो लास्ट एनिमी उसको ख़त्म करेंगे, फिर उस चाबी को लेकर सीक्रेट लोकेशन में जाएंगे और वहाँ पे हमें स्मोक बम मिलेगा। और उस लोकेशन से मतलब जब निकलेंगे हम लोग तो हम यहाँ आएंगे, देखिए जहाँ पर मैं हूँ ना अभी खड़ा। तो सबसे पहले तो उस एनिमी को ख़त्म करते हैं, उसके बाद वहाँ जाएंगे। अरे यार तो यहाँ पर ये इधर मुड़ ही रहा है, चलो ख़त्म कर देते इसको, ये ख़त्म। चलो इसकी कहानी भी हमने कर दी ख़त्म। अब इसके बाद यहाँ हमको लेवल ख़त्म नहीं करना है, हमें स्मोक बम लेना है। तो ये चाबी ले लेते हम लोग जो कि सीक्रेट रास्ते में मतलब सीक्रेट जो हमारा दरवाज़ा है वो खोलने के काम आएगी। फिर वहाँ से हम लोग जैसे ही जाएंगे उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। ये देखिए यहाँ से अभी मैं खड़ा था ना जहाँ पीक ले रहा था, उस जगह से हम लोग निकलेंगे। तो अभी हम लोग जाते हैं, ये देखिए ये जहाँ पर हम लोग इनको मारा था यही दरवाज़ा आपको यहाँ मिलेगा। और ये चाबी आपको यहाँ पर लगानी है, जैसे ही आप ये चाबी यहाँ लगाओगे दरवाज़ा खुल जाएगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं है ज़्यादा, ये आपको बाद के लेवल में जो असाइनमेंट्स वाला सेक्शन है वहाँ पर मिलेगा ये लेवल खेलने को। तो यहाँ पर ऊपर उठना यहाँ से, अरे उठ जा भाई यहाँ से, ये आराम से यहाँ पर आना है और उसके बाद ऊपर चढ़ने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर कोई एनिमी नहीं है, सिर्फ एक स्मोक बम है, स्मोक बम के लिए हम लोग आए हैं ताकि हम लोग स्मोक बम ले पाए ज़्यादा से ज़्यादा। एक ही स्मोक बम यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये देखिए स्मोक बम हमें मिल चुका है, तो स्मोक बम ले लेते हैं ताकि बाद में काम आए। और ये देखिएगा जैसे ही आप लोग यहाँ से मतलब नीचे घुसोगे, ये देखिए हम लोग वहीं आ गए जहाँ पे हम लोग जो अभी खड़े थे ना, जैसे कि मैं बता रहा था
ये देखिए हम लोग अभी इस एनिमी को यहाँ से पीक लेके मारा था, वो देखिए लास्ट एनिमी हमारा पड़ा वहाँ पे। और गाइस ये जो लेवल है कम्प्लीटली दी एंड हो चुका है। हालांकि इतने ज़्यादा लेवल्स कभी नहीं खेलने पड़े हैं, लेवल 4 का पार्ट 7 तक हमें आना पड़ा इस लेवल को कम्प्लीट करने के लिए। और इसको कम्प्लीट करते हम लोग महल के मतलब मेन जो ऊंचाई वाला फ्लोर है वहाँ पहुँचेंगे। और ये देखिए गाइस गेम खत्म हो चुका है हमारा, लेवल 4 कम्प्लीटली दी एंड हो चुका है। और इसके बाद थोड़ी स्टोरी मोड चलेगी, तो स्टोरी मोड देखिए और हिंदी में मैं आपको बताऊँगा लोग क्या बात कर रहे हैं। क्या हो रहा है सब? रिकिमारू, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? तुम ये उम्मीद तो रखो ही मत कि मैं तुम्हारे किसी सवाल का भी जवाब दूंगी। और गाइस इसके बाद साकिया की तलवार आया मैं रिकिमारू पे फेंक के मारते, पर रिकिमारू बचा लेता अपने आप को। और फिर इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। यह फाइट इसलिए शुरू होती है क्योंकि आया मेरे को लगता है कि रिकिमारू झूठ बोला था, रिकिमारू इन षड्यंत्र के पीछे था जो कि, लेकिन मेन जो षड्यंत्र चल रहा है वो तो है साकिया। लेकिन यहाँ पर देखिए रिकिमारू सायमे की लड़ाई हो चुकी है। और शॉर्ट फाइटिंग मैं पहले भी बता चुका हूँ किस तरह से होती है, तो मुझे शॉर्ट फाइटिंग एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस डिफेंड ज़्यादा बार करना है, और आपको जब मारने का चांस मिलेगा उस टाइम पे आपको जब टेंचू फूल होगा तब मारना है। तो गाइस पूरा का पूरा जो षड्यंत्र है साकिया की वजह से लड़ाई हो चुकी है हमारी और आयमे के बीच में। और अभी लड़ाई हम लोग ख़त्म कर देते हैं जल्दी से जल्दी। तो जैसे ही लड़ाई ख़त्म होगी फिर थोड़ा स्टोरी मोड चलेगा, तो वो स्टोरी मोड में क्या होगा आप लोग देखिएगा, मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन करूँगा। रिकिमारू तुम किसी भी तरह से कीको को यहाँ से नहीं ले जा सकते हो। रिकिमारू मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे ऊपर शक करना ही नहीं चाहिए था। आया मैंने हम सभी को बेवकूफ बनाया और वो कह के गई थी कि तुमने हमें धोखा दिया है, पर अब ये मामला उल्टा पड़ चुका है। ये पूरे समय में आया मैं हमसे झूठ बोलती रही, और अब वो राजकुमारी कीकू को अपने साथ ले गई, जबकि मैं उसे काफी मुश्किल से सुरक्षा के साथ वापस ले आया था। मुझे उसी समय समझ जाना चाहिए था कि वो बकवास कर रही है, तुम हमें कभी धोखा नहीं दे सकते हो। ओह मैं कितना निकम्मा बेवकूफ हूँ। रिकिमारू तुम्हें जल्दी करना होगा कि इससे पहले कि हमारी प्यारी राजकुमारी चली जाए। और गाइस इसके बाद रिकिमारू अपने महल से छलांग मारता जो कि काफ़ी ऊंचाई में था, तो यहाँ ऊंचाई से हम लोग नीचे आ चुके और ये लेवल यही एंड हो चुका है। तो अभी हमें आयामे को ढूंढना है, और आयामे और रिकिमारू में झगड़ा इस साकिया ने लगवाया। ये साकिया बहुत ही हरामी बुड्ढा है। तो इस लेवल के लिए इतना ही गाइस, अब मैं मिलूंगा आपसे लेवल 5 में। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, पसंद आया तो लाइक करना, मेरे यूट्यूब चैनल निंजा शैडो गेमिंग को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो गुड बाय गाइस, मैं मिलूंगा आपसे लेवल 5 में।